मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था, तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूँ तो वो आएगा, तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था भी, रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है, तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे खराब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे, सामने घर पे था कोई तो कहते थे मनी जा उनसे ना पैसे लेके आ, 50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर रशिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा, तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहाँ से उठ के चल दिए, घर आए तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊँगा अपने बच्चों को खिलाऊंगा। तुहानू याद जो बेटा बीमार हैगा सी, जदों तुहाडे कोल पैसा नहीं सीगा ते पैसे मंगण गए पैसे नहीं मिले, तो तुसी फिर की कीता जाके अपनी घड़ी तुसी गहने पा के आए, जाके पता नहीं वेच के आए जी गहने पा के आए तुसी जाके, फिर जाग राती 10-11 बजे ये जाके ना दवाई वगैरह लियांदी, फिर घड़ी वेच के ते फिर बच्चा इलाज कराया। ते इन्ने हालात देखे माड़े। बहुत कुछ हुआ ऐसा, ये तो एक बात बताई है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो घर भी नहीं बताते। एक बार, ये तो घड़ी की बात है, मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में, मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात ख़राब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपये का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपये और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए।